सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड Redmi Note 11 सीरीज चाइना में 28 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है। तीन स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रही है चाइना में, जिसमें से पहला होगा Redmi Note 11, दूसरा होगा Redmi Note 11 Pro और तीसरा होगा Redmi Note 11 Pro Plus। जो Pro Plus स्मार्टफोन है उसका नाम इंडिया में Pro Max होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट काफी सारी स्पेसिफिकेशन पता चल चुकी है और साथ में ही क्या प्राइसिंग होगी और इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है, ये सारी चीजें हमें पता चल चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्साइटेड है Redmi Note 11 सीरीज को लेकर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बेस वेरिएंट के बारे में जानेंगे, Redmi Note 11 के बारे में पहले जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि Redmi Note 11 में डिजाइन कैसा देखने को मिल सकता है। तो डिजाइन आपको तीनों में ही सेम ही देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरह से डिजाइन देखने को मिलेगा तीनों ही वेरिएंट में। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलने वाला है, जबकि लास्ट ईयर ग्लास बॉडी देखने को मिली थी। तो डिजाइन के मामले में डाउनसाइड रहेगा, हालांकि न्यू रिफ्रेशिंग डिजाइन देखने को मिलेगा, तो ये काफी सही बात हो जाती है। बाकी दोस्तों, Redmi Note 11 की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। तीनों ही स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Redmi Note 11 में आपको Dimensity 810 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसे हमने Realme 8S 5G में भी देखा है। और Realme 8S 5G की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो परफॉर्मेंस से आपको किसी भी तरह का शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। 3.5 से लेकर 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा और दो और लेंस देखने को मिल जाएंगे 22 मेगापिक्सल के, जो कि बोक इफेक्ट और माइक्रो फोटो के लिए होंगे। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है और 5 से 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे इस वाले फोन में आपको। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 13,999 रुपए होगा। इसी में आपको हायर वेरियंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। तो ये कुछ फीचर्स आपको Redmi Note 11 में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं Redmi Note 11 Pro में क्या फीचर्स देखने को मिल सकता है। तो डिजाइन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों में ही सेम ही डिजाइन देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी की बात करें तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी एंड उसी को चार्ज करने के लिए इस बार आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि पोको F3 GT में देखने को मिला था। तो वही चार्जर आपको Redmi Note 11 Pro में भी देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी कमाल की बात होने वाली है। बाकी ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आएगा, तो 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए इस वाले में भी आपको Dimensity का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, Dimensity 920 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये एक लेटेस्ट चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है। तो Redmi Note 11 Pro पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि Dimensity 920 चिपसेट के साथ आने वाला है और इस प्रोसेसर को आप कंपेयर कर सकते हो Snapdragon 778G 5G चिपसेट के साथ। तो परफॉर्मेंस टॉप नॉच की रहने वाली है और 7 से 8 5G बैंड्स देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है अंडर 20,000। तो काफी कमाल की डिस्प्ले रहने वाली है Redmi Note 11 Pro में। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो क्वाड रियर कैमरे के साथ आएगा, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और तीन और कैमरे देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आएगा। 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा रहने वाला है। इस बार आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, इसी के साथ IR ब्लास्टर तो होगा ही और साथ में ही Android 11 के साथ आएगा बेस्ड ऑन MIUI 13, जो कि लेटेस्ट होगा। बाकी दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 17,999 रुपए होने वाला है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन सभी में से सबसे बड़े वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि Redmi Note 11 Pro Max होने वाला है। इसमें भी आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस वाले में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और स्ट्रॉन्ग लीक्स की माने तो Redmi Note 11 Pro में 120 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि 20 से 22 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देती है बैटरी को। तो काफी कमाल की बात हो जाती है दोस्तों। खैर, मुझे तो नहीं लगता है कि 120 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है अंडर 20,000। इसके अलावा इसमें भी आपको OLED वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और इसी के साथ 300Hz की टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल सकती है।
बाकी ये फोन भी क्वाड रियर कैमरे के साथ ही आएगा, जिसमें प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है और माइट भी इसमें आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल सकता है। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो माइट भी सेम ही रहेगा या फिर स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है। और वैसे भी चाइना में 28 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, आज से एक हफ्ते बाद ये फोन लॉन्च हो जाएगा चाइना में, तो वहां से हमें कंफर्म स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगी। बाकी दोस्तों रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स की प्राइस की बात करें तो 20 से 22,000 के समथिंग रहने वाला है बेस वेरियंट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स आपको Redmi Note 11 सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि ये तीनों ही फोन इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है, उसी के कुछ वीक्स के बाद इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, नवंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। बाकी आप मुझे बताओ आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो Redmi Note 11 सीरीज को लेकर। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।